आतिशी ना होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। अब देखिए अरविंद केजरीवाल कुछ देर में इस्तीफा दे देंगे, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बनने वाली है। आखिर आतिशी को ही अरविंद केजरीवाल ने क्यों चुना? दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम के प्रस्ताव को आगे रखा, विधायकों ने भी इसमें सर्वसम्मति जताई है। आतिशी की बात की जाए, एक पढ़ी लिखी बढ़िया महिला हैं और कहते हैं कि इनका प्रशासनिक अनुभव भी बहुत अच्छा है। खास तौर पर जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे उस दौरान आतिशी ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे विभागों को संभाला। दूसरी बात, अगर आतिशी की बात की जाए तो वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों की बेहद करीबी मानी जाती हैं। साथ ही साथ कहा यह गया कि जब नाम का ऐलान किया गया तो साफ तौर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि जब तक उन पर दाग है तब तक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो जनता के बीच में जाएंगे और अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो है वो जनता से लेंगे, इसके बाद ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। मनीष सिसोदिया को इसलिए आगे नहीं किया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना था कि मेरी तरह मनीष सिसोदिया भी जनता के बीच में जाना चाहते हैं और जनता के ईमानदारी के सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही हम दोनों अब दोबारा से चाहे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। ऐसे सामने में अगर जो सबसे सामने नाम आ रहा था वो आतिशी का नाम आ रहा था, सबने सर्वसम्मति जताई, इस पर कई सारे बताया जा रहा है कि निशाने साधे गए हैं आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर। पहला तो आधी आबादी को एक तरह से कह लीजिए कि अपने पक्ष में करने की कोशिश है, दूसरा पंजाबी मूल की है आतिशी। दिल्ली की बात की जाए, अभी 8-9 महीने में दिल्ली में चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक पंजाबी वोट बैंक है जिसे उसमें सेंध लगाने की कोशिश की जाएगी आतिशी के नाम को अगर आगे जिस तरह से रखा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल और खास तौर पर आम आदमी पार्टी चाहती है कि जब चाहे तब जिसको अभी मुख्यमंत्री बनाया गया है जब चुनाव होंगे तो आसानी से वो हट जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर मुख्यमंत्री हटे अपनी जगह पर किसी और को बनाई लेकिन वहां पर भी पता चला कि बगावत हो गई है। इसलिए बगावत का कोई सवाल यहां पर पैदा नहीं होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुना गया है। आतिशी की बात की जाए तो देखिए अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी ने कई अहम मंत्रालय संभाले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एजुकेशन खास तौर पर आतिशी ने उस पर काफ़ी ध्यान दिया है और इसके अलावा जल बोर्ड की बात की जाए बहुत सारे ऐसे विभाग थे उसने बड़े सकुशल तरीके से संभाला। मीडिया को भी हैंडल करना बहुत अच्छे से जानती है, बीजेपी भी एक महिला होने के नाते और देखिए बेदाग छवि आतिशी की रही है, ऐसे में जो खास तौर पर अपोजिशन में दिल्ली में बीजेपी है तो उनको निशाना साधने में आतिशी को घेरने में मुश्किल होगी। अब ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जिसको लेकर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर आगे किया गया, लेकिन कई सारे सवाल यहां पर ये भी उठते हैं कि देखिए ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले बीजेपी अब तक कई राज्यों में एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, जहां पर उसे लगता है कि एंटी इनकंबेंसी हो रही है वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल दिया जाता है, फिर किसी और मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। अब ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पीछे हमने देखा कि कई ऐसे मुद्दे थे दिल्ली में खासतौर पर अगर शराब घोटाला या फिर जल बोर्ड का घोटाला हो या कई सारे ऐसे मामले निकलकर सामने आए या फिर वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा, कई लोगों की मौतें हो गई, इसको लेकर भी केजरीवाल सरकार को घेरा जा रहा था कि आखिर केजरीवाल सरकार क्या कर रही है। तो क्या एक तरह से फेस सेविंग को लेकर भी आतिशी को लेकर आया गया है कि जो एंटी इनकंबेंसी केजरीवाल के खिलाफ बन रही थी वो खत्म हो जाए और एक नए चेहरे के साथ चुनाव में जाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी जाती है और कह सकते हैं कि एक इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश केजरीवाल की होगी क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन है। अब जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया खासतौर पर हरियाणा इलेक्शन में जाएंगे तो वो अपनी बात भी रखेंगे और ये भी बताएंगे कि देखिए हमने किस तरह से नैतिकता के आधार पर रिजाइन किया है, हमें अभी भी नैतिकता बची है जो किसी और पार्टी में नहीं है। तो इस इस्तीफे के बाद और नए मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी को इससे कितना फायदा होगा ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा।